हेलमेट और बैक मिरर लगाने वाले पुलिस एहलकारों और वार्डन्स के चालान और महकमाना कार्रवाई का हुक्म, कानून शिकनी करने वाले चंद पुलिस एहलकारों को घर भिजवा कर दूसरों के लिए मिसाल बनाए, कानून पर अमल दरामद से सर पर चोट लगने की शरह में 50% कमी आई, जस्टिस अली अकबर कुरैशी के रिमार्क्स, मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने वाले के लिए हेलमेट पहने पर पाबंदी का जल्द हुक्म देंगे अदालत। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का चौथा रोज, क्रेन बुलडोजर हथौड़ों से इंतजामिया का वार, इलाम इकबाल रोड, गढ़े शाहू बाजार, धर्मपुरा बाजार, दारोगा वाला में मुतअद्दिद तजावुजात मिसमार, पथारे शेड साइन बोर्ड को गिराने का अमल जारी, वज़ीरे आला का तहफ़ुज़ात के खिलाफ मुहिम में गरीब और आम आदमी के खिलाफ कार्रवाई का नोटिस, रेड़ी बान और मेहनत कशों को तंग न किया जाए, वज़ीरे आला की हदायत। साफ पानी कंपनी केस और स्कैंडल, शहबाज शरीफ की आज नैब में पेशी, शहबाज शरीफ को नैब ने 11 बजे तलब किया था, ताहाल पेश ना हुए, साबिक वज़ीर आला पर जर्मन कंपनी को कंसल्टेंसी की मद में अरबों रुपए की अदायगी का इल्जाम है। सूबाई वज़ीर इत्तला'आत की तोपों का रुख शहबाज शरीफ की तरफ, बोले शहबाज शरीफ सियासी साधु हैं या सियासी चोर, आवाम के टैक्स का पैसा इस्तेमाल करके पैगाम दिया गया, शहबाज शरीफ को टार्जन और अरस्तू है, 300 अरब लगाने के बावजूद एक घूंट साफ पानी नहीं मिला, लेकिन रहनुमाओं के रिश्तेदारों को नवाजने की सिफारिश। नैब ऑफिस के बाहर एमएनएम मोटरसाइकिल स्कैंडल के मुतासरीन का एहतजाज मुजाहरा, चेयरमैन नैब से इंसाफ की अपील, प्ली बार्गेन करके मुलजिमों को छोड़ दिया गया है, मुजाहरीन का इल्जाम, नैब ने अरबों रुपए की रिकवरी की, मुतासरीन को तहाल रकम नहीं मिली, मुजाहरीन की दुहाई। पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी फ्रॉड केस, मुलजिम एमआर गुलजार एहतसाब अदालत में पेश, मुलजिम ने 5000 से जायद फाले फरोख्त की, नए प्रोसिक्यूटर के दलाइल, अदालत ने मुलजिम का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया, 15 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद का इल्जाम, सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद के बेटे की अबूरी जमानत मंजूर, केस की समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी, अदालत ने मुलजिम का रिकॉर्ड थाना गालिब मार्केट से तलब कर लिया। कौमी अदारों के खिलाफ किसी बयान की हमायत नहीं करते, राणा मशहूद के मुतनाज़ बयान की असल हकायक क्या है, जल्द पता लगाया जाए, शहबाज शरीफ की 3 रुकनी कमेटी को हदायत। ज़िमनी इंतखाब, सियासी माहौल में गर्मा गर्मी का इम्कान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी जलसों का फैसला, एन ए 124 में 4 बड़े जलसे होंगे, खिलाड़ियों का लहू गर्माया जाएगा। गंदा धंधा बेतहाशा लंबा, गंदे अंडों की एक और बड़ी खेप पकड़ी गई, सलामतपुरा से 3,64,000 अंडे बरामद, अंडे ड्रमों के पीछे 2 कोल्ड स्टोर्स में छुपाए गए थे, आशिक कोल्ड स्टोर को 1,00,000 रुपए और अल्फेरोज कोल्ड स्टोर को 50,000 रुपए जुर्माना। महंगाई के सुनामी ने आवाम को चकरा दिया, गैस की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, तंदूर मालिकान ने रोटी की कीमत बढ़ाने का इंदिया दे दिया, गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान। पुलिस के जुराइम कंट्रोल करने पर तवज्जो नहीं, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में इंकशाफ, 5 माह गुजर जाने के बावजूद पुलिस की क्राइम कंट्रोल मीटिंग ना हो सकी, रिपोर्ट का मतन, सदर कैंट सिटी और मॉडल टाउन डिवीजन में जुराइम खौफनाक हद तक बढ़ गए, अगले हफ्ते से मीटिंग का आगाज करेंगे DIG ऑपरेशंस शहजाद अकबर। बुकला पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने का मामला, लाहौर बार की कयादत के पुलिस हुकाम के साथ मुजाकरात कामयाब, वकला ने 2.5 घंटे बाद सेशन कोर्ट के ताले खोल दिए, वकला के एहतजाज के बायस अदालती अमले और साइलिन को शदीद मुश्किलात, अदालती कार्रवाई मुतासर। तिबी सहूलतों का फुकदान महकमे सेहत के लिए चैलेंज है, सेहत आमा की बेहतरी का मिशन दिलो दिमाग पर छाया है, बेहतरी आने तक चैन से नहीं बैठ सकते, डॉक्टर यास्मीन राशिद का सेमिनार से खिताब, सूबाई वजीर सेहत से जानान मेडिकल ग्रुप चाइना के वफ की भी मुलाकात, महकमे सेहत में चाइना के ताबुन पर तबादला ख्याल।
और इंटर स्कूल वुमेन इंडोर क्रिकेट टूर्नामेंट में लड़कियों के चौके और छक्के। लाहौर ग्रामर स्कूल और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बरकी की टीमों के दरमियान मैच जारी।